हेलो इट्स एस टू राइट रॉक योर डे। स्वागत है आपका पी का न्यूज हैशटैग #1 में वीकली शो, जिसमें हम डिस्कस करेंगे पोकेमॉन से रिलेटेड सबसे ज्यादा ताजा खबरें। स्टार्ट करते हुए नंबर वन, तो एक यूट्यूबर है जिसने अपने पेट फिश के लिए कंट्रोलर बनाया था, जिसकी वजह से वो भी पोकेमॉन स्कारलेट और वॉयलेट खेल पाए। तो उसने क्या किया था कि ऐसे कंट्रोलर बनाए थे कि फिश जिस डायरेक्शन में मूव करेगा उस तरीके का एनालॉग प्रेस होता था और फिश प्रोग्रेस करता था। जब वो अपने पहले जिम को क्लियर करने की कोशिश कर रहा था, क्योंकि स्कारलेट और वॉयलेट इतना बगी है, तो उसकी वजह से उसने इन गेम परचेजेस कर दी और उन भाई साहब का भट्टा बैठी। न्यूज नंबर टू, तो ऐश की हो चुकी है पहली हार उसके वर्ल्ड चैंपियन बनने के बाद। अभी एपिसोड चल रहे हैं एम टू बी पोकेमॉन मास्टर के, जिसमें ऐश लड़ रहा था मिस्टी से। मिस्टी ने सेंड किया था पॉलीटोड को और ऐश ने सेंड किया था कोरफिश को, जिसमें ऐश हार गया वर्ल्ड चैंपियन बनने के बाद। न्यूज नंबर थ्री, तो एक आदमी था जिसने अपने फ्रेंड को भेजा था पोकेमॉन येलो का सील्ड एक वर्जन था। अब उस वर्जन की कुछ क्वालिटीज थी जिसकी वजह से वो उसका प्राइस था अप्रोक्सीमेटली 10,500 US डॉलर, बहुत ही ज्यादा हाई था। पर क्योंकि उसके दोस्त को पता नहीं था, तो उसने उसको फाड़ फोड़ के चीर फाड़ के अलग कर दिया, जिसकी वजह से वो 10,500 डॉलर से सीधा पहुंच गया $0। न्यूज नंबर फोर, तो पोकेमॉन स्कारलेट और वॉयलेट के प्लेयर्स एक साथ आए और उन सब ने ये डिमांड किया कि वर्जन 1.2 जो अपडेट आएगा उसमें ये बग्स फिक्स होने चाहिए, क्योंकि स्कारलेट और वॉयलेट बग से पूरा भरा हुआ है। न्यूज नंबर फाइव, तो ड्रिफ्लूम और मिस मैजियस ने ज्वाइन कर लिए हैं टेरा रेड बैटल्स पोकेमॉन स्कारलेट और वॉयलेट में। नंबर सिक्स, तो टेंडेमॉस चेन्नाइन का एक पोकेमॉन जो कि अभी बहुत ज्यादा फेमस हो चुका है, वो माइस है, दो रहते हैं जिससे वो चार बन जाते हैं इवोल्यूशन में। तो एक पोकेमॉन फैन है जिसने एक फैन आर्ट शेयर किया कि क्या हो अगर वो टेंडेमॉस बन ही ना पाए, मतलब दो से चार ही ना हो पाए, उनका पार्टनर मर जाए। तो इंट्रोड्यूसिंग माउस ग्रीफ, उसने आर्ट बनाया माउस ग्रीफ का जो कि एक नॉर्मल घोस्ट टाइप होगा, क्योंकि उसका पार्टनर मर जाएगा। तो जब टेंडेमॉस अपने पार्टनर को खो जाएगा, तो उनके बॉन्ड जो इतने स्ट्रांग होंगे उसकी वजह से जो सोल होगी उसके पार्टनर की, वो कभी उससे अलग हो ही नहीं और वो नॉर्मल और घोस्ट टाइप हो जाएंगे। नंबर सेवन, तो जेन 9 से एनहाइलेप चीयू और साइक्लजार को बैन कर दिया गया है पोकेमॉन शोडाउन से, क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा ओवर पावर्ड हो गए थे। कुछ स्ट्रेटजीज की वजह से वो बहुत ज्यादा ओवर पावर्ड हो गए थे और उनको इसी वजह से सिंगल्स बैटल से हटा दिया गया है पोकेमॉन शोडाउन। नंबर एट, प्राइमल फॉर्म्स इंट्रोड्यूस हो चुके हैं पोकेमॉन गो में। प्राइमल कायोगर और प्राइमल ग्राउडॉन को अब आप पा सकते हो पोकेमॉन गो में। वैसे मुझे नहीं लगता ज्यादा लोग इंडिया में खेलते हैं, और हाँ जितने लोग गेम पैड से खेलने वाले हैं मोड डाउनलोड करके, उनके लिए कॉन्ग्रेचुलेशन, नाउ यू कैन कैच प्राइमल कायोगर एंड प्राइमल ग्राउडॉन। नंबर 9, पोकेमॉन गो में पकड़ा गया सबसे ज्यादा छोटा टायरानीटार। तो अभी रिसेंटली हुआ था लार्वीटार कम्युनिटी डे पोकेमॉन गो में, जिसमें एक बंदा है जिसका नाम है नियॉन वुल्फ 9, उसने कैच किया एक लार्वीटार को जिसको उसने इवॉल्व किया टायरानीटार में। अब जो टायरानीटार का अप्रोक्सीमेटली साइज होता है वो होता है नियरली 7 फीट और उसका वेट होता है 445 पाउंड्स अप्रोक्स। पर उसके टायरानीटार का वेट था 200 और उसकी हाइट थी 3.28 फीट, जो कि आधे से भी कम है। बहुत कुपोषित टायरानीटार पकड़ा इसने। और लास्ट न्यूज में आते हैं, तो पोकेमॉन स्कारलेट और वॉयलेट का एक प्लेयर है जिसने एक अजीब सा ग्लिच एनकाउंटर किया। तो वैसे ही उसमें इतने सारे ग्लिच हो रहे हैं पोकेमॉन स्कारलेट और वॉयलेट में, तो वो ऐसे ही नॉर्मली एक बैटल कर रहा था। तो जब वो बैटल जीता तो उसका जो किंग गैम्बिट था वो सेलिब्रेट किया, उसके बाद एक ही पोजीशन पे राउंड 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 सेलिब्रेट करने लगा घूमते घूमते, और नॉन स्टॉप घूमता ही गया। इस हफ्ते के लिए इतना ही, अगले हफ्ते फिर मिलूंगा पीकर न्यूज के अगले एपिसोड में। तब तक के लिए वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो एंड बाय बाय।